जिला रामबन के इलाका चमलवास में फोर लाइन कटिंग की वजह से दर्जनों मकानों को दरारें पड़ गई हैं। इनमें से कुछ मकान रिहाइश के काबिल नहीं। मकामी लोगों के मुताबिक फोर लाइन की कटिंग जो कंपनी कर रही है काफ़ी लापरवाही बरत रही है। मौके पर आए एक्स एमएलए बनिहाल गुलाम रसूल वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंतजामिया इन लोगों के रहने का बंदोबस्त करे, अगर नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी। आइए देखते हैं बनिहाल से हमारे नुमाइंदे मेहरान वानी की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे नेशनल हाईवे जो है रोड बना रहा है, फोर वे की नेशनल हाईवे की वाइडनिंग कर रहा है और फोर लेन बना रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ये हमारी बस्ती है, यहाँ पे कराची हाल का एरिया है और यहाँ पे हमारे रेस्पेक्टेड लोग रहते थे, खटाना बरादरी हमारी रहती थी यहाँ पे, और नीचे से कंपनी वालों ने क्या किया, डोजर लगा दिए, ज़मीन को खोद लिया और ये ऊपर से ख्याल नहीं रखा कि इतनी बड़ी बस्ती है, इसलिए निकल ना जाए और इनको कोई मुआवजा ना दे और इनको पहले दीवारें ना दे, कोई सेफ्टी का इनको ना सोचे, जबकि इन्होंने बेचारों ने दो दो तीन तीन साल से चिल्लाया, रोड पे उतरे, रोड तक बंद किया कि भाई साहब अगर आपको काम लगाना है तो पहले इसमें कोई प्रोटेक्शन दे दो, नहीं तो हमारी बस्ती उतरे। मकान डैमेज हो रहा है या रेलवे में डैमेज हो रहा है, उसको कम से कम ज़मीन, जैसे ज़मीन एक्वायर करती है गवर्नमेंट दफ़े के हिसाब से, दफ़ा चार दफ़ा आठ करके कहीं ज़मीन प्लेन में कहीं ज़मीन एक्वायर करके इनको ज़मीन दे दे। अब जाएंगे कहाँ, ये मुझे बताओ, वो तो करने पे आए, कर सकता है, एडीसी अच्छा है, उन्होंने एश्योर किया, इनके सामने मैंने बात की कि हम इसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे, तो हम भी देख लेंगे कि क्या होगा, अगर ज़्यादा अगर एडमिनिस्ट्रेशन सोई रही, कुछ नहीं किया या कंपनियों ने कुछ नहीं किया तो हम मजबूर हैं फिर प्रोटेस्ट करने पर, फिर तो अब तो पानी जो है सर के ऊपर से हो गया। डीसी साहब को टस से मस नहीं हुई, ना अभी तक कोई असेसमेंट, ना असेसमेंट के लिए किसी को भेजा, ना यहाँ पे कंपनी को कहा गया कि आप प्रोटेक्शन जंगी बुनियादों को कर। अच्छा, तो तीन घर तो उजड़ गए, आ जाए यहाँ तो असेसमेंट कर लेगा हमारे मकानों का, तो लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, इंतजामिया का कोई ऑफिसर आया इधर आपकी फरियाद? इंतजामिया का सिर्फ तहसीलदार साहब आए हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब जो है वो आए हैं, पुलिस ने।